मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज ये मेरा न्यू ब्लॉग है, तो न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और सभी को जय श्री कृष्णा मेरी ओर से। और आज मैं मेरे घर पे ही हूँ और आज मैं लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ जो मेरे घर पे है, तो आप मेरा ब्लॉग देखना। फिर आज मैं कहीं जा रही हूँ तो वो भी देखना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। अब बज चुके हैं 9:30 और 9 बज गए और मैं तैयार नहा ली हूँ। तैयार तो नहीं हुई हूँ, बस अब थोड़ी देर बाद तैयार होंगी, फिर मैं कहीं जा रही हूँ। और अभी मैं लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ, तो आप देखना मेरे घर पर जो लड्डू गोपाल है उनको कैसे तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जिनको अभी मैं तैयार कर रही हूँ, तो आप देखना मैं इनको कैसे तैयार करती हूँ। और इनके सारे कपड़े इतने सारे और इनकी सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ है, और अब आप पूरा प्रोसेस देखना मैं आपको कैसे इनको कैसे तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मेरे लड्डू गोपाल को फाइनली तैयार कर दिया है। कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कैसे तैयार करा है, कितने प्यारे लग रहे हैं एक बार कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, दादी हमारे चूल्हे पे रोटी बनाते हैं रोज़, और इतना सारा आटा चाहिए होता है जिसकी रोटी बनाते हैं। और आज मतलब रोज़ ही चूल्हे पर बनाते हैं, कभी कभी खाली ऊपर रोटी बनाते हैं। बाकी आप चूल्हे पर बनाते हो? हाँ, चूल्हे पर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए रोटी बना दी है और दादी अब चूल्हे पे सेकेंगे इन छोटी छोटी रोटियों को भी, तो ये मैं दादी को दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी गौ माता को रोटी देने के लिए आई हूँ, तो इन सबको मैं रोटी दूंगी, तो आप देखना। फ्रेंड्स, ये मेरा भाई है जो कि भगवान जी को अब भोग लगा रहा है, तो इनके लिए इसने लिया है घी ले लिया है, और एक उधर माखन और एक में दही है, तो अब ये भगवान जी को भोग लगाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ स्कूल पापा जी के साथ में। मेरे भाई बहनों के आज पीटीएम है, तो मैं उनकी कॉपीज देखने के लिए जा रही हूँ, उनके नंबर देखने के लिए कि कितने नंबर आए। तो उसी स्कूल में मैं भी पढ़ी थी, तो आप मेरा ब्लॉग देखना अगर मेरे स्कूल। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की क्लासेस थी हमारी। ये हमारी स्कूल की ड्रेस है।
तो फ्रेंड्स, सुबह दादी वो रोटी बना रहे थे और अभी वापस से राबड़ी बना रहे हैं चूल्हे पे। ये देखिए किस तरह से चूल्हे पे राबड़ी जो है वो उबल रही है। राबड़ी कुछ ज़्यादा उबल रही, तो मैं सोचूँ थोड़ा सा ये जो लकड़ी है उसको निकाल देती हूँ, तो मैंने निकाल दी है, तो अभी थोड़ी कम उबलेगी। फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर को एक अमरूद मिला जो कि पहले मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। और उन्हें किधर आना बताना, कहाँ से ढूंढा, उसके पास भी है, वो भी खा रही है। फ्रेंड्स, अब मैं चारा काटने के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे चारा काटती हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक। फ्रेंड्स, ये रौनक खड़ी है और ये मैंने चारा काटा था, और ये प्रिजु है, ये भी मेरे साथ में ही है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ पापा जी को ये सारी चाबी देने के लिए, कार की इस टोकरी में पड़ी रहती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि पापा मेरे क्या काम करते हैं और किसकी ये सारी चाबी, किन गाड़ियों की, सब कुछ, तो देखना आप। तो फ्रेंड्स, हमारे सर्विस सेंटर है जिनमें इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। यहाँ पर मेरे पापा जी, मतलब मेरे पापा जी का ही है, अंकल जी और मेरे पापा जी दोनों काम करते हैं यहाँ पर। ये सारी गाड़ियाँ जो कि वॉश हो के जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के पास में जस्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जिसको कि अभी ढक रखा है। और इसको एक तरह से बावड़ी भी बोलते हैं हमारे यहाँ की, बावड़ी तो नहीं है, मतलब कुआ ही है बड़ा सा। और यहाँ पे सबकी मशीनें हैं, अंदर तो अभी ढक रखा है, तो मैं आपको कैसे बताऊँ, बाकी बहुत ज़्यादा ही गहरा कुआ है ये। फ्रेंड्स, मम्मी आ गए हैं दूध निकाल के, और इन्होंने ये दूध भी गर्म कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यू बोलना चाह रही थी कि अभी मैं मम्मी के साथ कर रही हूँ प्रैंक। प्रैंक तो क्या है, आज मैं ऐसे बोलूँगी मम्मी को कि ससुराल जा रही हूँ, तो मम्मी का क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो सच में जा रही हूँ, मम्मी को पता नहीं है कि मैं जा रही हूँ अभी तक, तो फिर मम्मी से, मम्मी का रिएक्शन देखते हैं आज, ठीक है, कि मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। मम्मी, ससुराल जा रही हूँ। रौनक, मम्मी ससुराल जा रही हूँ, ठीक है, ससुराल जा रही हूँ मैं, ठीक है, ठीक। फ्रेंड्स, इस थैली में मैं लेने के लिए जा रही हूँ नींबू, जो कि मेरे खेत में लग रहे हैं, तो तोड़ के इसमें भरूंगी अभी मैं। अब मैं दादी को बुला रही हूँ ताकि मेरे थोड़ी सी भिंडी तो नहीं, और ये नींबू तोड़ दे और फिर मैं इसमें भर दूँ। का कुछ नज़ारा है जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, और दादी आ रहे हैं पीछे पीछे, तब तक मैं देखती हूँ मुझे कोई नींबू मिलता है तो मैं तोड़ती हूँ। और ये है इतना बड़ा नींबू, इतने सारे नींबू लग रहे हैं, पर मुझे तोड़ने आता नहीं क्योंकि इनके सबके कांटे हैं ना नींबू के पेड़ के, इसीलिए देखो मैं आपको बताती हूँ, दिख रहा है, ये देखिए छोटे छोटे से जो कांटे हैं ना, दिख नहीं रहे सही से। फ्रेंड्स, ये दादी आ गए हैं जो कि नींबू तोड़ रहे हैं, और मुझे ये दो नींबू मिले छोटे छोटे से, और दादी बाकी तोड़ रहे हैं। ये दादी ने कुछ नींबू तोड़ कर दे दिए हैं मुझे, इतने सारे, और अभी और तोड़ रहे हैं ये। मेरा भाई भी आया है नींबू तोड़ के और मुझे देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ घर पे सूजी का हलवा, और आंटी है जो कि आटा गूंथ के इन्होंने रेडी कर लिया, और रोटी बनाएंगे अब।
तो मैं इसमें अब घी डाल रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी इसीलिए। देखिए और घी भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। फ्रेंड्स ये सूजी है जो कि अब मैं इस घी में डाल रही हूँ और फिर इसको मैं लगातार चला के और फिर सेकूंगी थोड़ी देर और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा घी कम था इसीलिए मैंने थोड़ा सा घी और डाला है। और उधर वो पानी गर्म करने के लिए रख रहे हैं ताकि पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर पानी में ही डालेंगे ये सूजी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो गई है सूजी, अभी थोड़ी और ब्राउन होगी फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी उधर गर्म हो गया और ये काजू बादाम थे जो कि बीच में से हल्के हल्के कट कर दिए हमने, और अब आप आगे देखना। तो फ्रेंड्स ये देखिए सूजी का हलवा बनके रेडी हो चुका है अब, और उधर दाल भी बनके रेडी हो चुकी है और आंटी ने रोटी भी बना दी है। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने लड्डू गोपाल जी को अब मैं खाना खिला रही हूँ, और ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनको मैं खाना खिलाती हूँ अब। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, और अब मैं आ गई ससुराल, तो अब मैं सो रही हूँ और अभी बज रहे रात के 11 बज गई है, 10:30 बजे घर से निकले थे और आए, और अब मैं बैठी हूँ जस्ट, और सभी को गुड नाइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और थैंक।